बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? यीस्ट का। दृष्टिवैषम्य में दोष उत्पन्न होता है जब कॉर्निया की आकृति गौण नहीं होती है। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त का संचय हो जाता है बिलीरुबिन के रूप में। बिलीरुबिन। किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान 1 छोड़ा था? 2008 में। सम संख्या है 2008। बढ़िया मानी जी। लाख कीट के किस भाग से लाख का स्त्रावण होता है? गुद्दा छिद्र से। ग्रेफाइट में विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती हैं। द्रुबल वांडरवाल बल के कारण। अल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है? प्रबांजी आश्वन द्वारा। निम्न में से किस पादप से रेशे, तेल एवं चारा प्राप्त होता है? कपास से। समस्त बैक्टीरिया जो जठरांत नली में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को संश्लेषित करता है वह है ई कोलाई। यूकेरियोटिक जीवों में गुण सूत्रों का उपयुक्त अध्ययन किस अवस्था में किया जा सकता है? मेटाफेज अवस्था में। एक खाद्य श्रृंखला में निम्न में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटकों की। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित होता है? षटकोणीय वलय के रूप में। निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है? तो यूरिया का जलीय घोल कोलाइडी नहीं है। गोंद, दूध, रक्त, ये सभी है। एलिफेंटेसिस रोग होता है यूकेरेरिया बैनक्रोफेंटिस। निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है? एल्यूमिनियम का। हीविया ब्रासिलिएंसिस का सामान्य नाम क्या है? ब्रासिलियस का रबड़। मनुष्य में इंसेफेलाइटिस निम्न में से किस भाग से स्थानांतरित होता है? क्यूलेक्स से। बेंजीन का नाइट्रेशन है। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। रक्तालपता की रोकथाम के लिए विटामिन है फोलिक एसिड और विटामिन B12। 45 डिग्री परावर्तन कोण वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान क्या होगा? 90 डिग्री। कैसे 45 डिग्री? एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है तरल जल की अपेक्षा अधिक शान है। एक व्यक्ति रंग भेद दोष से पीड़ित है, उसके लिए कौन सा वाक्य सही है? तो व्यक्ति कुछ रंगों की श्रेणी में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, जैसे लाल और हरे के बीच में अंतर क्यों है? पारिस्थितिकी तंत्र में दो अवयव होते हैं, जैविक और अजैविक। रोगाणुरोधक गुणों को प्रदान करने के लिए निम्न में से किसको साबुन में मिलाया जाता है? रोगाणुरोधक कणों को प्रदान करने के लिए निम्न में से किसको साबुन में मिलाया जाता है? बाइथियोनल को। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। विपरीत लक्षणों के संकेतक जिन्हें जोड़े को एलील कहा जाता है। एलील को हिंदी में युग्म विकल्पी कहते हैं। ग्लूकोज को एथाइल एल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो जाइमेज। रासायनिक रूप में रेशम का रेशा क्या होता है? प्रोटीन। रेशम को रेशो प्रोटीन हुए रासायनिक रूप में रेशम को रेशो प्रोटीन हुए। यदि आपतन किरण एवं समतल दर्पण से परावर्तित किरण के मध्य 60 डिग्री का कोण है,
तो परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष किस कोण पर विचलित होगी? विचलित मनी या सीधी आवार मुड़ी कितनी है? तो सीधी आई आ मुड़गी 120, तो 120 डिग्री। ठीक है, यदि आपतित किरण एवं समतल दर्पण से परावर्तित किरण के मध्य 60 डिग्री का कोण होता है, तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के सापेक्ष किस कोण पर विचलित हुई? 120 होगा सही है। किसके आटे का प्रयोग करके बच्चे के लिए दूध विकल्प तैयार किया जाता है? दूध को विकल्प सोयाबीन का आटा। निम्न में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है? तो सेल्यूलोज प्राकृतिक कोई चीज होनी, रबड़ हो की होनी, प्राकृतिक हुआ भी मैंने सेल्यूलोज हुआ, रेयन प्राकृतिक है, लिलिन लिलन प्राकृतिक है लिनन, जूट प्राकृतिक है लाइनोन, नाइलॉन कृत्रिम है, इसलिए इसमें सेल्यूलोज रेशा नहीं पाया जाता। सामान्यतः टीवी रिमोट में अवरक्त किरणें होती हैं। ताम्र प्रदूषण से बचने के लिए पित्तल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो पित्तल के बर्तनों पर रंगों या टीन की परत चढ़ाई जाए। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है, बोलिए बीजगणित पर, बोलिए बीजगणित पर। मानव में गुण सूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है डाउन सिंड्रोम के लिए, 21 की डाउन सिंड्रोम के लिए। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं कार्बन पदचिन्ह। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रदान जो को उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा में कार्बन पदचिन्ह, कार्बन पदचिन्ह है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है डीएनए बहुरूपता। विद्युत मोटर की क्रियाविधि पर कौन सा नियम लागू होता है? फ्लेमिंग का दक्षिण हाथ वो नियम तो लगा है जनरेटर पर, और बाएं हाथ वो नियम लगा है मोटर पर। और दक्षिणावर्ती पेच वो नियम वो लगा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने भी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने भी दक्षिणावर्ती पेच गो नेम और राइट एंड थंब गो नेम, ये दोनों नेम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतावे। ठीक है, दक्षिणावर्ती गो नेम पेच गो नेम और राइट एंड थंब गो नेम भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतावे। तो बाएं हाथ गो नेम मोटर के लिए और दाएं हाथ और जनरेटर के लिए। ठीक है, तड़ित चालक बनाने के लिए तांबा काम में लिया जाता है, तैसे तड़ित तैसे तांबा। अपवर्तन की घटना में जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करता है, यदि आपतन कोण 65 डिग्री है, अपवर्तन कोण 25 डिग्री है, तो विचलन का कोण बताइए? 40 डिग्री, क्योंकि वो भी 65 जवाहर ने विचलित हुआ, तो विचलित हो गए 25 आ गए, तो 25 घटा दिया 65 में 40 बचिया। कौन सी प्रीघटना प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ध्रुवण से पता चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र क्लब कम गए मैंने, दाएं हाथ को नियम जनरेटर में, बाएं हाथ को मोटर में, और दक्षिणावर्ती पेच को नियम और राइट हैंड थंब को नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतावे। तड़ित चालक तांबे को बनेट हो गए, और अपवर्तन की घटना में जब प्रकाश किरण किसी सरल माध्यम से आपतित होकर 65 डिग्री और अपवर्तन के बाद 25 डिग्री हो जाते हैं, विचलन का कोण बताइए? यानी 65 आवे 65 जवाहर, लेकिन अब 25 मुड़गी, 25 को कोण बना रही है, मतलब 65 में 25 घटा दिया 40 हो गया।
कौन सी परिघटनाएं निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कलपकम में। इसरो की मास्टर नियंत्रण सुविधा कहाँ पर है? कर्नाटक के हासन में इसरो की मास्टर नियंत्रण सुविधा है, हासन कर्नाटक में। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड यानी लोह बना ले वो, आयरन ऑक्साइड। निम्न में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू को तो वायरस है H5N1, स्वाइन फ्लू को है H1N1, स्वाइन फ्लू अपने आप फैलता है तो दो एक का लगा दो, और बर्ड फ्लू मैंने H5N1, बर्ड पांच पक्षी मान लेता हूँ। ठीक है, बुझा हुआ चूना निम्न में से कौन सा है? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। निम्न में से किसके पिरामिड सदैव सीधे होते हैं? तो ऊर्जा का पिरामिड सीधा है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा है। सीधा है मतलब ऊपरों पतला नीचों मोटा, जैसे ऊर्जा का पिरामिड में कोई जानवर है बिन दूसरे जानवर खाको 10% ऊर्जा बिघना होगी, फिर बिंग 10% ऊर्जा आगे लगना होगी। यहाँ करता करता नीचे जो की ऊर्जा ज़्यादा ही वो जो ऊपर जाके पिरामिड इतने थोड़ी होती जाएगी, तो पिरामिड सिद्ध होगी ऊर्जा को। ठीक है, हमेशा सिद्ध होगी। और संख्या को पिरामिड अधिकांश सीधा होता है, संख्या को पिरामिड भी सिद्ध हुई है, पहले ज़्यादा संख्या फिर जो 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 कम होती जाएगी, या संख्या को पिरामिड है वो वर्क्स परितंत्र के रूप में भी हुए, अधिकांश तो सीधा होता है लेकिन वर्क्स पारितंत्र होता है वो उल्टा होता है, वर्क्स पारितंत्र उल्टा होता है और संख्या पारितंत्र सीधा होता है। और जीव बार को देखा तो सिद्ध हुए लेकिन जलीय पारितंत्र उल्टो हुए, जीवाणु जलीय परितंत्र में उल्टो हुए। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कौन सा शब्द सत्य है? ऊर्जा को पिरामिड सिद्ध हुआ, सही बात है। जेव बार्गो पिरामिड सिद्ध हुआ, सही है। और यो भी बांचो का जेव बार्गो सिद्ध हुआ है लेकिन जलीय जेव बार हुआ है वो उल्टो हुआ, संख्या को सिद्ध हुए पणवर्क सांगो उल्टो हुए। ठीक है, खिलौने रेडियो टीवी के कैबिनेट बनाने में किस बोलक का उपयोग किया जाता है? पॉलीस्टाइरीन को, खिलौना रेडियो टीवी पॉलीस्टाइरीन। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22। प्रकाश अनुप्रस्थ है, ध्वनि अनुधेरी है। प्रकाश लंबवत रूप में चलता है, ध्वनि समांतर रूप में चलती है। फोटोन तरंगों का गुच्छा होता है, फोटोन सिद्धांत के तरंगों का गुच्छा के रूप में है, क्वांट सिद्धांत के कणांगों का गुच्छ है। वैज्ञानिक और दृष्टिकोण, प्रकाश का कणिक सिद्धांत दिया था न्यूटन ने, बोले प्रकाश कणांग रूप में चले। प्रकाश को लहर सिद्धांत दियो हाइजेन ने, तरंग सिद्धांत दिया था प्रकाश का हाइजेन ने, प्रकाश को तरंग सिद्धांत दियो हाइजेन ने। प्रकाश को विद्युत चुंबकीय के तरंग सिद्धांत दियो मैक्सवेल ने। प्रकाश को फोटोन सिद्धांत दियो आइंस्टीन ने। प्रकाश को क्वांटा सिद्धांत दियो मैक्स प्लांक ने। और प्रकाश को अपवर्तन सिद्धांत दियो स्नेल ने। तो याद रखना है, कणिका सिद्धांत न्यूटन को है, तरंग सिद्धांत आइंस्टीन को है, विद्युत चुंबकीय मैक्सवेल को है, फोटोन सिद्धांत आइंस्टीन को है, क्वांटा सिद्धांत मैक्स प्लांक को है, अपवर्तन सिद्धांत स्नेल को है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को सिद्धांत दियो न्यूटन ने। विवर्तन को सिद्धांत दियो ग्रोमाल्डी ने। व्यतिकरण को सिद्धांत थॉमस यंग ने। और प्रकाश के प्रकीर्णन को सिद्धांत सी वी रमन ने। वो आपने भारत को दे दो प्रकाश वो विकिरण प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन को सिद्धांत प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। सी वी रमन, अंतरिक्ष से प्रकीर्णन के कारण है प्रभाव है सगड़ा देख ले, प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष कालो दिखे, सूर्य सुबह व शाम के समय लाल दिखे प्रकीर्णन के कारण, दो पैर में धोड़ो दिखे प्रकीर्णन के कारण, समुद्र को रंग नीलो हुए प्रकीर्णन के कारण,
आसमान को रंग नीलो है प्रकीर्णन के कारण, समुद्र को रंग लाल दिखे प्रकीर्णन के कारण, पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा दिखना प्रकाश का परावर्तन के कारण दिखे, ठीक है, हरी दिखे नहीं पत्तियां, वह परावर्तन के कारण दिखे। जब प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न कणों से होकर के जाता है तो बार बार प्रकीर्ण होता है, और इस स्थिति से जिस रंग का प्रकीर्ण कम होगा वह दूर तक उतनी दृष्टि गोचर होगा, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये कल पढ़ेंगे।